बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं मसालेदार माश की दाल। आप एक बार ट्राई करें, लाजमी आपको पसंद आएगा और उसको बार बार आप बनाना पसंद करेंगे। ये सारे कुछ लवाजमात हैं इसके, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरा मसाला है, ये हमारा 1.5 टीस्पून पिंक सॉल्ट है, 1 टीस्पून हल्दी है, ये 2 टीस्पून पिसा हुआ साबुत धनिया है, ये हमारी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून चिली रेड चिली, 1 टीस्पून लाल गोल मिर्च पिसी हुई है, 2 लौंग हैं। सबसे पहले हमने एक पतीली में तेल गरम करना है और इसमें अपना एक 1 मीडियम साइज प्याज जो हमने कट करके रखा था वो हमने इसमें ऐड कर देना है और उसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। एक जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें हमने अब मज़ीद क्या ऐड करना है। इस पॉइंट पे हमारा अनियन तकरीबन फ्राई हो चुका था तो अब हम इस पॉइंट पे हमने इसमें अपना हरा मसाला 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया था और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हमने ऐड किया था। ठीक, ये हमारे मसाले एक बार फिर से, कसूरी मेथी है, साबुत धनिया है पिसा हुआ, पिंक सॉल्ट है। ठीक, यहाँ पर हमने दाल ऐड कर दी थी लेकिन कोई मसाला अभी तक हमने इसमें ऐड नहीं किया था, खाली दाल को हमने ऐसे भुना, इसको थोड़ा बहुत जो पानी था वो उसके साथ और तेल के साथ हमने थोड़ा सा इसको भुनाई की। अब जब इसका पानी खुश्क होता है फिर हम बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे इसका पानी खुश्क हो गया था तो हमने इसमें सारे मसाले हमने इकट्ठे इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। 3 to 4 मिनट हमने इसके अच्छे से भुनाई करनी है ताकि मसाला सारा इसमें अच्छे से रच बस जाए। ठीक, ये तकरीबन हमारे 3 to 4 मिनट्स यहाँ पे हमारे हो चुके थे। अब इस पॉइंट के बाद हमने इसमें 1.5 कप तकरीबन इसमें हमने पानी ऐड किया था। ये पानी ऐड करके जो है हम इसको तकरीबन 1/2 आवर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे। देखिए इस पॉइंट पे हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें हमने ऐड की है। ये देखें तकरीबन सारा पानी हमारा खुश्क हो चुका है और दाल गल चुकी है, इसलिए इस पॉइंट पे हमने आके इसमें गरम मसाला ऐड किया है और धनिया। ये देखें ये हमारी बिल्कुल दाल रेडी है, मसाले दाल माश दाल हमारी रेडी है। लास्ट में ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अच्छा आज 11वीं शरीफ भी थी तो उसके सिलसिले में हमने बनाई थी। ये देखें रेडी टू सर्व, रोटी के साथ एंजॉय करें, चटनी के साथ एंजॉय करें, जैसे आपको पसंद है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।